हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो प्लैनेट्स की रेमेडीज़ के ऊपर है एंड ये रेमेडीज़ में आप लोगों को एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं एंड ये रेमेडीज़ आप जितना करेंगे आप लोगों को उतना बेनिफिट रिजल्ट दिखने को मिलेगा। एंड उससे पहले जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव कहीं से भी एफ्लिक्टेड हो रहे हैं या फिर ख़राब पोजिशन में हैं तो फिर आपके जो भी पापा है या फिर फादर लाइक फिगर है उनके साथ इस जन्म में आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुली बिहेव करना होगा, बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को रिस्पेक्ट देना होगा। एंड आप लोग अगर अर्ली मॉर्निंग उठ के स्पेशली सनराइज से पहले उठ के नहा धो के धुला हुआ कपड़े पहन के सूर्य प्रणाम करें तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। या फिर अर्ली मॉर्निंग उठने की कोशिश कीजिए, उठ के कोई भी योगा मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए तो फिर आप देखना सूर्यदेव का जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर है वो आपको बहुत ही कम मिलना आरम्भ हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके कुंडली में चंद्रमा खराब पोजीशन में है तो आपके जो भी माँ है या फिर मदर लाइक फिगर आपके लाइफ में है उनके साथ बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुली बिहेव कीजिए। एंड अगर आपके आसपास या फिर पहचान के कोई भी वृद्धाश्रम है वहाँ पे भी जाके उन लोगों को हेल्प करने की कोशिश कीजिए, उन लोगों के साथ टाइम बिताने की कोशिश कीजिए, प्योर हार्टेडली उन लोगों को हेल्प कीजिए। कोई भी कुछ पाने की आशा लेके उन लोगों की हेल्प बिल्कुल मत कीजिएगा। एंड आप लोग एवरी मंडे शिव जी की पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे मंदिर ही जाना होगा ऐसा नेसेसरी नहीं है, आप घर पे भी बैठ के शिव जी की आराधना कर सकते हैं या फिर जो भी अनमैरिड गर्ल्स हैं वो 16 सोमवार की व्रत भी यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपके कुंडली में मंगलदेव खराब हैं तो फिर आपके जो भी सिबलिंग हैं स्पेशली आपके छोटे भाई उनके साथ इस जन्म में बहुत अच्छे से रिलेशन मेंटेन करके चलने की कोशिश कीजिए। कोई भी झगड़ा कन्फ्लिक्ट वो अवॉइड करके चलिए। अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के साथ बहुत अच्छे से पेश आइए, कोई भी झगड़ा उनके साथ भी अवॉइड करके चलने की कोशिश कीजिए। स्पेशली जिन लोगों का मंगल अष्टम भाव में है वो अगर अपने भाई से दूर रहते हैं छोटे भाई से तो आप जब उनके साथ मिलने जाओगे तो कोई ना कोई गिफ्ट कैरी करने की कोशिश कीजिए, खाली हाथ बिल्कुल भी मत जाइएगा। ठीक है, एवरी ट्यूसडे हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं, इससे भी आप लोगों को लाभ मिलेगा। मंगलवार को नॉनवेज बिल्कुल भी मत खाइए या फिर जो नॉनवेज से रिलेटेड जो फूड आइटम है वो आप जितना अवॉइड करेंगे आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स कंज्यूम कीजिए क्योंकि आप जितना नॉनवेज जो फूड आइटम है वो कंज्यूम करेंगे आपके जो मंगल का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपको और ज़्यादा दिखने को मिलेगा। इसीलिए नॉन वेजिटेरियन जो फूड आइटम्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कम खाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके कुंडली में बुधदेव खराब हो रहे हैं या फिर एफ्लिक्टेड हैं तो आप गलत संगति अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लग रहा है ये जो मेरा फ्रेंड है मुझे गलत रास्ते पर ले जा रहा है तो उस फ्रेंडशिप को आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से निकल आइए। एंड अगर आपके लाइफ में कोई बहुत जेन्युइन फ्रेंड है जो आपको हर समय एक सटीक दिशा देते हैं, हर समय आपके मदद में वो आपके पास आके खड़े रहते हैं तो उस फ्रेंडशिप को कभी भी लूज़ मत कीजिएगा एंड उस फ्रेंड को कभी भी धोखा मत दीजिएगा, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है। एंड अगर आपके लाइफ में कोई भी टीचर है गुरु है तो उनका भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पेक्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स ग्रीन फ्रूट्स ये सब खाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके कुंडली में शुक्रदेव खराब हो रहे हैं तो जो भी मेल नेटिव्स हैं उनके वाइफ के साथ या फिर गर्लफ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखिए एंड उनके साथ कोई भी झगड़ा कन्फ्लिक्ट अवॉइड करके चलने की कोशिश कीजिए। या फिर अगर आप फीमेल नेटिव हैं तो अगर आपके लाइफ में जो भी फीमेल्स हैं उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करके चलिए। अपने आप को हर वक्त स्वच्छ रखिए, बहुत अच्छा मतलब यहाँ पर धुला हुआ कपड़ा वो पहनने की कोशिश कीजिए, क्लीन क्लोथ्स पहनिए, अपने आप को मेंटेन करके रखिए, परफ्यूम वगैरह यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। एंड पूजा की अगर बात की जाए तो आप पार्वती देवी की पूजा कर सकते हैं या फिर माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, यहाँ पे फिर आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपके कुंडली में शनिदेव खराब हो रहे हैं तो फिर आप लोग
जो भी पुअर पीपल हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कीजिए, या फिर अगर आपके घर में कोई भी सर्वेंट है उनको बहुत अच्छे से ट्रीट कीजिएगा, उनके साथ कभी भी ख़राब बिहेव मत कीजिए। या फिर जो भी बहुत ही ज़्यादा एल्डरली पीपल है आपके घर में या फिर घर के बाहर भी जो ओल्ड एज पीपल हैं, तो उनके साथ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पेश आइएगा। सिर्फ कौओं को खाना खिलाने से ही आपका शनिदेव पॉजिटिव रिजल्ट देने को आरंभ कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर खराब है तो फिर आपके लाइफ में जो भी टीचर है, गुरु है, उनके साथ बहुत अच्छे से रिलेशन मेंटेन करके चलिए, बहुत अच्छे से पेश आइए उन लोगों के साथ, कभी भी उन लोगों को डिसरेस्पेक्ट मत कीजिए, या फिर जो भी एल्डरली पीपल है उनके साथ भी। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी, जिन लोगों का भी जुपिटर ख़राब है वो अपने सर को अगर कोई भी कपड़ा या टोपी से ढक के रखे तो फिर यहाँ पर आपको जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम दिखने को मिलेगा। स्पेशली आप जब बाहर जाते हो तो आप ये करके देख सकते हैं। आपके कुंडली में राहु देव खराब हो रहे हैं तो अगर आपके ग्रैंड पेरेंट हैं तो उनका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पेक्ट कीजिए, मतलब दादाजी, दादी, नाना, नानी, उनका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पेक्ट कीजिए। अगर हो सके तो उनको दवाई आप अपने हाथों से जाके खिलाइए, तो फिर आपको यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट दिखने को मिलेगा। अगर आप शादीशुदा है तो अपने इन-लॉज के साथ यहाँ पे रिलेशन अच्छा मेंटेन करके चलने की कोशिश कीजिए। अगर आपके कुंडली में केतुदेव ख़राब हो रहे हैं तो यहाँ पे भी आप लोगों को, अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं आप लोगों का, तो उनके साथ रिलेशन अच्छे मेंटेन करके चलने की कोशिश कीजिए। एंड अगर आपके घर में कोई भी डॉग है, अगर नहीं है तो स्ट्रीट डॉग्स अगर है तो उनको भी अच्छे से ट्रीट कीजिए। यहाँ पे मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप जाके उन लोगों को खाना खिलाए, क्योंकि ये अपने दिल की बात है। एस्ट्रोलॉजर के बोल देने से आप अगर वो जाके अगर कर भी दे तो से कुछ ज़्यादा आप लोगों को लाभ दिखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आपके मन से वो आवाज़ नहीं आती तो ये सब किसी के कहने से करने को कुछ फ़ायदा नहीं मिलता। पर उन लोगों को, स्ट्रीट डॉग्स को, कभी भी बुरी तरीके से कभी भी ट्रीट मत कीजिएगा, फिर आपका जो नेगेटिव केतु है वो और भी नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा, ठीक है। एंड एक्चुअली द थिंग इज़, अगर आपके कुंडली में कोई भी प्लैनेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है या फिर एफ्लिक्टेड है तो उस प्लैनेट से रिलेटेड जो लिविंग बींग्स है उनके साथ आपको इस जन्म में रिलेशन अच्छा मेंटेन करके चलने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि जो प्लैनेट खराब है हम उसके रिलेटेड जो लिविंग बींग हैं उनके साथ ही रिलेशन ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ख़राब होता है, क्योंकि हम जितना भी कोशिश करें उनके साथ कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट, झगड़ा, सिचुएशन ही कुछ ऐसा पैदा हो जाता है कि कन्फ्लिक्ट, झगड़ा ये सब होना आरंभ हो जाता है। तो आपको उसी पे अलर्ट रहना होगा। एंड आपको अगर पता है कि मेरा कुंडली में ये जो प्लैनेट है वो ख़राब है तो आपको यहाँ पे खुद को अलर्ट करके अच्छा बिहेव करना होगा, ठीक है। एंड जिन जिन लोगों का चंद्रमा कुंडली में ख़राब हो रहा है वो लोग अगर मंडे सॉल्ट अवॉइड करने की, नमक अवॉइड करने की कोशिश करें तो भी ये आप लोगों के लिए अच्छा होगा। सो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट में अपना ओपिनियन बताना बिल्कुल मत भूलिए, एंड शेयर कीजिए ताकि जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों को भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहें। एंड टेक केयर एंड बाय बाय।